कारण हो सकता है वो एफआरडीआई बिल भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि कर्नाटक में ज्यादा डिमांड हो रही हो बड़े नोटों की क्योंकि इलेक्शन वहां पे आने वाला है। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि मार्च के एंड में टैक्स पे करना होता है तो लोगों ने लिक्विडिटी अपनी बढ़ाई हो, बिजनेसेस ने वो टैक्स पे करने के लिए, हालांकि आजकल तो बैंक से जो पे किया जा सकता है टैक्स, तो कारण कई हो सकते हैं जिसकी वजह से एक टेम्पररी शॉर्टेज आई हो। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए है ये नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, ये वित्त मंत्रालय को बताना पड़ेगा। बैंकिंग गवर्नेंस का फेलियर है, बैंकिंग सिस्टम्स का फेलियर है, बट जो है गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल डायरेक्ट नहीं आता है बिकॉज वो ऑपरेशंस में गवर्नमेंट नहीं आती है, वो नीतियाँ बनाती है और चीज़ें करती है, गवर्नमेंट ऑपरेशंस में नहीं आती है। वर्तमान के अंदर जो ग्रोथ है डिपॉजिट की बैंकों के अंदर कम हो गई है, जो कैश जमा होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि सडनली और अचानक ही बहुत सारे बड़े विड्रॉल्स हो गए हैं, तो देखिए कि एक तरफ कैश जमा नहीं हो रहा और एक तरफ कैश निकल रहा है। कि बैंक्स एटीएम्स के कैश मैनेजमेंट पे उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए, उसकी वजह से ये होता है कि जब एक एज ए कस्टमर जब मैं जाता हूँ एटीएम पे तो मुझे पता लगता है एटीएम तो एम्प्टी है। लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है। लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि या तो ये सारा कैश डिपॉजिट का काम प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, और अभी कोई या तो बाढ़ आई हो, तूफान आया हो, कोई इंटरनेट फेलियर हो, या गाड़ियों की हड़ताल हो, या कंपनियों एम्प्लॉइज़ की हड़ताल हो, ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है। इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स का कोई इशू है नहीं। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।